नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल एग्जाम पास करें में। मित्रों, हमारी हरियाणा जीके की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं वो आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अब आइए बात करते हैं आपा मध्यकालीन हरियाणा का जो पार्ट है वो हमने शुरू कर रखा था। हमने बात कर ली थी मोहम्मद गौरी तक की, मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक की। इसके बाद जो है आप आज डिस्कस करते हैं क्या होता है कि 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का सेनापति था और मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद इसने क्या किया? इसने अपने नए वंश की स्थापना की। क्या किया? नए वंश की स्थापना की। 1206 में इसने दास वंश की स्थापना की, जिसको अपन गुलाम वंश बोलते हैं। किस वंश की स्थापना करी इसने? गुलाम वंश की नींव डाल दी अपने भारत में राज करने के लिए। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक, 1526 तक अपने इंडिया पर तुर्कों और अफगानों का राज रहा। यह बात जो है नोट डाउन कर लेना, तुर्कों व अफगानों का राज रहा। तो एक बार फिर दोहरा देता हूं, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका सेनापति था, सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने इसकी मृत्यु के बाद जो है अपना नया वंश चलाया, जिसका नाम इसने क्या रखा? गुलाम वंश और दास वंश। ठीक है, इसके बाद जो है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक अपने भारत पर तुर्कों और अफगानों का राज रहा। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जिन जिन वंशों का राज रहा उन वंशों को हम एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो आइए, क्या है हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक है जीके TSLM। एक इस ट्रिक से जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत काल था इसमें जिस जिस वंश का राज रहा इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जी से बनेगा गुलाम वंश। क्या बनेगा? गुलाम वंश। के से बनेगा खिलजी वंश। टी से बनेगा तुगलक वंश। एस से बनेगा अपना सैयद वंश। क्या बनेगा? सैयद वंश। एल से बनेगा लोदी वंश और एम से बनेगा मुगल वंश। अब आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कब से लेकर कब तक इनका राज रहा। तो गुलाम वंश की आप बात करें तो गुलाम वंश का राज रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब आप बात करते हैं खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का राज रहा वो रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। अब आप बात करते हैं तुगलक वंश की, तो इसका राज कब से कब रहा? 1320 से 1414 तक। अब आप बात करते हैं सैयद वंश की, तो सैयद वंश का राज कब से कब रहा? 1414 से 1451 तक। और लोदी वंश का राज कब से कब रखा? 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो एक छोटी सी ट्रिक थी ये
इस ट्रिक के माध्यम से पूरी दिल्ली संतनत काल पर जिस जिस वंश का राज रहा वो आप यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। जीके टीएस आलम, याद रख लेना ये, ठीक है। जी से अपना गुलाम वंश बना, के से खिलजी वंश बना, टी से तुगलक वंश बना, एस से सैयद वंश बना, और एल से लोदी वंश, और एम से मुगल वंश। आज की इस वीडियो में आप गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट पढ़ने का काम करेंगे कि इन्होंने हरियाणा में क्या कुछ अपने राज में किया, इनके जमाने में क्या विद्रोह है, क्या कुछ हुआ हरियाणा में। तो आइए आप शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज स्थापित कर दिया। सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यह बड़ा दानवीर था, बहुत सी चीजें जो है गरीबों में यह बांट दिया करता था, बहुत दानी आदमी था, इसलिए इसको जो है वो लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लाख बख्श बोला जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस दिल्ली संतनत काल के किस राजा को या किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि हासिल की हुई थी, तो आपका उत्तर रहना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली संतनत काल में यहां पर जो है जो राजा बनते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ये बात याद रख लेना, उम्मीद करता हूं याद रह जाएगी। इसके बाद जो है इसने एक दो काम और किए। अपने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 3 मंजिल तक जो है इसने इसका निर्माण करवाया, यह बात आप याद रख लेना। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ एक प्रश्न और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक दो बार पूछ चुका है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया या 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा भी जो है अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, याद रख लिया बात। और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो कहां पर स्थित है? वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ये बात रही कुतुबुद्दीन ऐबक की। हरियाणा में इसने कुछ ऐसा खास नहीं कराया कि आप इसका डिस्कस करें, लेकिन 2-4 पॉइंट थे जो इसके डिस्कस करने जरूरी थे, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है 1210 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और किससे मृत्यु होती है इसकी? चौगान खेलते वक्त। चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है इल्तुमिस, इसका उत्तराधिकारी था इसका बेटा इल्तुमिस, वो राजा बनता है। कौन राजा बनता है? इल्तुमिस राजा बनता है। इधर बात करते हैं आप इल्तुमिस की। इल्तुमिस ने राजा बनते ही क्या किया? सॉरी, यहां पे जो आप सुल्तान शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिल्ली संतनत में सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इल्तुमिस के सुल्तान बनते ही इसने क्या किया कि अधूरा पड़ा कुतुब मीनार, जिसकी जो है निर्माण कार्य को इसने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुमिस ने, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका आपसी में झगड़ा हो जाता है और नेक्स्ट जो सुल्तान बनती है वो बनती है रजिया सुल्तान। यहां से अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आई बार क्वेश्चन पूछता है। आप अच्छे से इन डिटेल जो है रजिया सुल्तान को डिस्कस करने का काम करेंगे। रजिया सुल्तान जो है
वो शासक बनती है। आप डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान। बारह में इल्तुमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली संतनत काल की शासक बनती है। और एक बार एक तारीख आती है 13 अक्टूबर 1240 की, 13 अक्टूबर 1240 की। इसको डिस्कस करने से पहले जो है रजिया सुल्तान के बारे में बता दूं, यह दिल्ली संतनत काल की एकमात्र महिला शासक रहेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिल्ली संतनत काल की एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? रजिया सुल्तान रहेगा। अब आप बात करते हैं 13 अक्टूबर 1240 की। रजिया सुल्तान की जो शादी है वो कहां की हुई थी? पंजाब के बठिंडा शहर में, पंजाब के बठिंडा शहर में। और रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? अगर आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था, तो रजिया सुल्तान के पति थे अल्तुनिया। दिन था 13 अक्टूबर 1240 का। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान बठिंडा से दिल्ली ट्रेन में जा रहे थे, लेकिन कैथल के निकट इनको रोक लिया जाता है। कैथल के निकट इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है और अगले ही दिन जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनका आपसी मामला था राज करने का, तो रजिया सुल्तान जो है वो 1240 में मृत्यु हो जाती है इसकी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां होती है? अपने हरियाणा के कैथल में। कहां पर होती है? कैथल में। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां स्थित है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको क्वेश्चन दे देगा रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस शहर में है। कोई चार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सिरसा, ऑप्शन नंबर सी इसार, और ऑप्शन डी दे देगा कैथल। तो इस प्रकार से जो है अपना कमीशन इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कैथल। जो रजिया सुल्तान की मृत्यु वो हरियाणा किस शहर में हुई? वो ही कैथल में। एक बात और, रजिया सुल्तान के साथ साथ इसके पति अल्तुनिया का मकबरा भी इसके साथ स्थित है, यह बात भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब जो है बात करते हैं आप रजिया सुल्तान के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कैथल के अंदर जो ये मकबरा है, कैथल के अंदर जो एक मकबरा है, यह दक्षिण एशिया की पहली महिला है जिसकी कोई स्मारक है। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला है जिसकी कोई स्मारक है, यह पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हरियाणा जी के एक ऐसा पार्ट है हरियाणा के पेपरों में जिसके क्वेश्चन आई बार 20 से 25 पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, इस सब्जेक्ट को कभी हल्के में मत लेना। अगर आपके दो चार क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के गलत हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन से काफी दूर चले जाते हो। तो लगातार बुक से पढ़ते रहिएगा, हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बाद शासक कौन बना। रजिया सुल्तान के बाद जो इसका भाई नसीरुद्दीन,
नसीरुद्दीन जो है वो शासक बनता है, इसका जो राज है वो कब से कब तक रहता है, 1246 से 1256 तक, सॉरी 1246 से 1266 तक। नसीरुद्दीन के राज के समय जो है वो मेवातियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी ऐलान जंग कर दिया। और ये जो है मेवातियों के द्वारा इसके काल में प्रथम विद्रोह हुआ, मेवातियों की तरफ से इसके काल में ये प्रथम विद्रोह था। इसके बाद बात आती है 1257 की, क्या बात आती है आइए जिक्र करते हैं। नसीरुद्दीन शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था बलबन, क्या था बलबन। बलबन जो है वो हांसी के निकट से गुजर रहा था, कहां से गुजर रहा था, हांसी से गुजर रहा था, और हांसी से गुजर रहा था इस पे जो है मेवातियों ने हमला बोल दिया। अब बलबन पर मेवातियों ने हमला बोल दिया, बलबन इसके लिए तैयार नहीं था। बलबन की सेना से मेवातियों ने घोड़े ऊंट व अन्य मवेशियों को जो है वो लूट लिया और अपने साथ मेवात की ओर चल पड़े। और बलबन जो है इस हमले में बुरी तरह से त्रस्त हो जाता है। उसके बाद बात आती है 1260 की, 1257 का गुस्सा बलबन ने 1260 में पूरी तरह से निकाल दिया। इसने जो है मेवातियों पर पुनः हमला बोल दिया और 1260 में मेवातियों की हार हो जाती है। इसके बाद बात आती है 1265 की, 1265 में बलबन जो है वो सुल्तान बनता है। अब बलबन सुल्तान बन गया तो बलबन को जो है मेवातियों से बहुत गुस्सा था। इसने सुल्तान बनते ही सबसे पहले जो है वो क्या काम किया कि मेवात में जो जंगल थे, यानी मेवात में जितने भी पेड़ पौधे झाड़ियां थी उन सबको कटवा दिया। अराजकता समाप्त करने के लिए, यानी अराजकता को समाप्त करने के लिए बलबन ने जो है वो जंगल कटवा दिए और जो है अपना बैर मेवातियों से निकाल दिया। कुछ किताबें कहती हैं कि बलबन इतना कठोर था किसने मेवातियों को सबक सिखाने के लिए उनकी खाल में, उनके शरीर में भूसा तक भी भरवा दिया था। तो बहुत ही क्रूरता पर जो है बलबन उतर आया था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, गोपालगिरी का दुर्ग यह भी बलबन से जुड़ा हुआ है। बलबन जो है मेवात से दिल्ली के रास्ते से गुजरता था, मेवात जाते टाइम वो गुरुग्राम होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता था, तो इसने गुरुग्राम और दिल्ली के बीच एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसको आज गोपालगिरी के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। गोपालगिरी के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये दो चार महत्वपूर्ण बातें थी बलबन के बारे में, कि सबसे बड़ी जो बात थी कि बलबन ने जो है मेवातियों के खिलाफ जो है बहुत तगड़ा मोर्चा खोला, वहां के जंगलों को कटवा दिया और जो है अपने समय में इसने एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसको आज गोपालगिरी का दुर्ग बोलते हैं। बारह सौ सतासी में बलबन की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है इस वंश का जो है खात्मा
हो जाता है, यानी इस वस का काम तमाम हो जाता है गुलाम वस का। इसके बाद जो है आगे वस आता है खिलजी वस। आइए आप बात करते हैं खिलजी वस की। खिलजी वस बहुत ही प्रतापी शासक था इसका, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने जो है इस वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो खिलजी वंश की स्थापना की। क्या की? खिलजी वंश का संस्थापक था। जो खिलजी वंश का स्वामित्व है वो कब से कब तक रहा? तो वो रहा अपना 1290 से 1320। एक छोटा सा शासन काल था इस वंश का। अपने हरियाणा में जो है इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि इसने वीर मंडार को सम्मानित किया। वीर मंडार को सम्मानित करने का कारण क्या था? किसने क्यों वीर मंडार को जो है सम्मानित किया? हरियाणा का एक व्यक्ति था वीर मंडार, उसको जो है इसने सम्मानित किया। 1290 से पहले जो है खिलजी कैथल का आया, इक्तेदार हुआ करता था। 1290 से पहले कैथल का इक्तेदार हुआ करता था, और एक कलायत जगह है कैथल के पास। कैथल के पास एक जगह है कलायत। कलायत के पास जो है मंडारों ने इस पर एक आक्रमण बोल दिया था उस समय जब यह इक्तेदार होता था। तो इस वीर मंडार नामक व्यक्ति ने इसके मुंह पर वार किया था और घाव डाल दिया था। इसकी वीरता से प्रसन्न होकर खिलजी ने जो है इसको सम्मानित करने का काम किया था। ठीक है, आशा करता हूं ये बातें आप याद रख लोगे। आगे जो अपना टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में वो रहेगा तुगलक वंश। ये दो बातें आज बताई है, गुलाम वंश की और खिलजी वंश की। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छे से बताने का प्रयत्न किया है। अगर हमारी वीडियो में, हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई आपका सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हम आपके सुझाव पर गौर करेंगे। और आज से जो है अपनी रेगुलर क्लासें अन्य सब्जेक्ट की भी यहाँ से शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो हमारे चैनल एग्जाम पास करें को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो अन्य मित्रों तक भी पहुंच सकें और सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।